हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेन सूडान। सो मेरी जो आज की वीडियो रहेगी वो एमबीए की रिगार्डिंग रहेगी। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि ये जो एमबीए की प्रोसेस होगी अभी मैट के बाद, मतलब जो हमारा मैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था एचपीयू का, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहती है, काउंसलिंग कैसे होती है, हमारी मेरिट जो है वो एचपीयू ने प्रिपेयर कर दी, तो उसके हिसाब से अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम मेरिट देख लेते हैं। तो जो ओपन मेरिट रहेगी हमारी, वो कट ऑफ जो गई है वो 29 मार्क्स गई है, और अगर हम इंटरनल जनरल की बात करते हैं तो 25। लेकिन ये जो हमारी कट ऑफ दी गई है ना, अभी ये काफ़ी इंटरचेंज होने वाली है। अब ऐसा क्यों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे क्या होगा, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या रहता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसमें जो अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा GD प्लस इंटरव्यू। तो अब इसमें क्या होता है, अब क्या रहता है कि जैसे आपको ना 10% मार्क्स का क्राइटेरिया दिया जाता है। सबसे पहले क्या होगा, आपके जो 10th की जितनी भी परसेंटेज होगी ना, उसका 10% जितना बनेगा वो मार्क्स होंगे आपके डायरेक्ट एंट्रेंस, जो जितना आपने एंट्रेंस में स्कोर किया ना उसमें जुड़ जाएंगे। तो मान लीजिए किसी के अगर 100% है, तो उसके यानी कि डायरेक्ट 10 मार्क्स जो है उसके एंट्रेंस एग्जाम में जुड़ जाएंगे। यानी एंट्रेंस में उसने अगर 20 मार्क्स लिए हैं तो 30 हो जाएंगे। तो अब ऐसा होगा सबसे पहले। देन क्या रहेगा कि इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, ऐसा ही 12th के मार्क्स में होगा हमारा। मतलब आप लेके चलिए कि जो हमारे 12th में भी 10% वाला फॉलो होगा, कि 12th में जितनी आपकी परसेंटेज होगी उसका 10% जो होगा डायरेक्ट आपके एंट्रेंस स्कोर पे जुड़ जाएगा। अब क्या रहेगा कि आपको उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो उसके बाद रहेगा कि जो आपकी ग्रेजुएशन होगी ना, ग्रेजुएशन के भी आपके जो 10% मार्क्स होंगे वो डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ जाएंगे। तो आपकी ग्रेजुएशन 10th, एंड देन उसके बाद आपका जो रहेगा 10th ग्रेजुएशन एंड +2 के जो मार्क्स होंगे वो जुड़ जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसके बाद आपका एक कोलेबरेटरी स्कोर बनेगा। तो मान लीजिए अगर 10-10 हम जोड़ लेते हैं, किसी के 20 मार्क्स हैं +10 +10 +10, तो ये हो गया 50 मार्क्स। तो ये डायरेक्ट उसके 50 मार्क्स हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि जैसे मैंने एचपीयू मैट का बोला था कि एचपीयू मैट के आपके जितने मार्क्स होंगे ना उसके 50% लगेंगे आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जैसे एचपीयू मैट है तो यहाँ पे आपको इन्होंने बताया होगा कि आपके 50 मार्क्स जो हैं यहाँ से डायरेक्ट लग जाएंगे, यानी कि 50%। देन उसके बाद आपके GD के होंगे 10 मार्क्स और आपके इंटरव्यू के होंगे 10 मार्क्स। तो ये टोटल बनेगा 100 मार्क्स, और 100 मार्क्स से आपकी एक मेरिट द्वारा प्रिपेयर की जाएगी। तो आप मान के चलिए कि 60 अबव जो रहेंगे इस मेरिट के, उनको सीट जो होंगी फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ये इसका क्राइटेरिया है कि कैसे क्या होगा। बाकी आपको ये सारे क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे, उस हिसाब से आपको आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अभी जैसे कि आप सभी को इस नोटिफिकेशन में पहले ही कहा गया था कि जो आपकी हमारे इंटरव्यू और GD की डेट्स बताई गई हैं 4, 5, 6, 7 जुलाई, लेकिन आप इसमें मान के चलिए कि डिले होने वाला, सर्टेन डिले आने वाला है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी इशू चल रहे हैं अभी एचपीयू में। तो एक सर्टेन डिले आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी GD ये सब मिला के जब आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा। तो यही प्रोसेस होती है कि 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे करके क्राइटेरिया होता है। टोटल 100 मार्क्स से आपका मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, और फिर उसके बाद आपको उसी के बेसिस पे एडमिशन मिलेगी MBA में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू।